हुण हर काम जिहड़ा है वह घटता जा रहा है।
बंदा कहिंदे पैसे दे के बाजार चो मुल ले आवांगे ते एनी मेहनत लगती है की लोड़ है मेहनत करन दी। मेहनत करनी छड़ दित्ती हर खेत्र विच ते जिवें कपड़े का सूत्र ताने विच पेटे विच मिलिया होया हुंदा है ना, इदा परमात्मा जिहड़ा वो अपने सेवक दे नाल केवल सेवक दे नाल ही नहीं सारे संसार दे विच समाया होया परमात्मा, वो किसी थां तों वक्ख नहीं है, वो किसी थां तों दूर नहीं है। लोड़ है उन्हूं वेखण दी ते उन्हूं वेखण वास्ते जो ज्ञान चाहिदा है वो सानू सतगुरु तो प्राप्त होंदे। भगत नामदेव जी कहते एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई। परमात्मा जिहड़ा है तो एक है पर अनेकां विच ही व्यापक है वो एक पर सारिआं दे अंदर वसिआ होइआ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वो जिहड़ा रब है वो हर एक दे अंदर है। भगत जी कहते मैं जिथे देखदा हाँ मैनूं परमात्मा ही नज़र आउंदा है, जिधर भी देखदा मैनूं प्रभु ही दिसदा है। जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला पूजे कोई। कहते जीवां नूं ते माया ने मोहिआ होइआ है, कोई विरला ही इस गल नूं समझदा है कि परमात्मा हर एक थां दे उत्ते व्यापक है ते हर एक दे हिरदे विच परमात्मा बैठा होइआ है। फिर उन्होंने आख्या सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। हर एक थां ते वो परमात्मा जीवां दी रक्षा करन वाला जिहड़े देखो ये जिहड़े नाम है ना परमात्मा दे ये किरतम नाम हन। किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पुरबला। किसे दी किरत वेख के उन्हूं आपां नां दिंदे आ। जे कोई दुध इकट्ठा करदा है ते आपां उन्हूं कहिंदे ये दोधी है। कोई लकड़ दे अगे मंजे बनांदा, कई चीज़ां बैड बनांदा, कुर्सियां बनांदा है ते पहला उन्हूं शब्द दिता जांदा सी ये तरखान है, लकड़ दा काम करन वाला। जे कोई लोहे दे औजार बनांदा उन्हूं लोहार कहिंदे ने, सोने दे गहने बनाउण वाले नूं सुनार जां सुनियार कहिंदे ने। इसे तरह जिहड़ा रब है उहदे काम वेखे ते उहनूं नां दे दित्ता, वेख्या कि उह दया करदा है कि उहनूं दयालू कह दित्ता, वेख्या कि उह जीवां दी पालना करदा है उहनूं गोपाल कह दित्ता, देख्या कि जीवां दी रक्षा करदा है ते उहनूं गोविंद कह दित्ता। इस तरह रब दे नां रखे हन। सारे नां जिहड़े रब दे हन ते किसे नाम दे नाल भी रब नूं याद कर लिए, जिहड़ा अपने सेवक दे नाल ताने पेटे वांग मिलिया हुंदा वो रब खुश हो जांदा है। कोई भी नाम लै लो अपने धर्म दे अनुसार, ऐसा नहीं कि वो राम आखे रीझदा है जां अल्लाह आखे रीझदा है जां वाहिगुरु आखे रीझदा है, नहीं। इन्हां विचों कोई भी नाम लै लो वो रीझ जांदा है, हर एक नाम दे उत्ते रीझदा है। जिदा माँ जिहड़ी है ना उहनूं माँ कह लो, उहनूं मम्मी कह लो, उहनूं झाई कह लो, उहनूं मौम कह लो, माता कह लो ते खुश हो जांदी है। इसे तरह रब खुश हो जांदा है जिहड़ा अपने सेवक दे नाल ताने पेटे वांग मिलिया होया। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई।
एक सूत मन सत संहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। कहते एक धागा होंदा है, एक सूत एक धागा होंदा है, उहदे विच किन्ने ही मोती परोते होंदे ने। जिस तरह सारे मोतियां दे विच दी धागा लंघदा है, सारे मोती उस धागे विच परोच जांदे ने, इसे तरह रब सारे हिरदियां दे विच बैठा होया है। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਏ। ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹੇ ਰੇਪਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਪ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਪ ਮੱਦ ਜੈਸੇ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਕੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚੇਤਨ ਚੱਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ, ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਆਡੀਆਂ ਆਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗ ਆਪਣੇ
मूल नालों विछड़ जाती है, समुद्र का कंडा टप के वो अगे अपना वखरा रूप बना लेंदी है। कुछ दिन ही पैदे ने उहदे विचों बदबू आनी शुरू हो जाती है क्योंकि अपने असले नालों टुट गई। लोकी थुकना पाते ने ते नक दे उत्ते कपड़ा रख के उहदे कोलों दी लंघदे ने, क्यों? क्योंकि अपने असले नालों टुट गई, मूल नालों टुट गई। जिन्ना चिर बंदा रब दे नाल जुड़िया रवे, नाम जपदा रवे, सेवा करदा रवे, उन्ना चिर उहदे विचों शुभ गुणा की सुगंधि आउंदी है। ते जिस दिन उह रब नालों टुट जांदा है फिर विकारां की बदबू आनी शुरू हो जाती, लोग थुकां पाउंदे हन। लोकी कहिंदे बड़ा माड़ा बंदा है, ते जे नाम जपदा रवे, सेवा करदा रवे, विकार जीवन विच नहीं आउंदे, ते उही लोग कहिंदे इह बंदा बड़ा चंगा है, इहदा जीवन बड़ा सोहणा है। जिस तरह जल दीआं तरंगां जल दे उत्ते आई होई झग, जल दे उत्ते बने होए बुलबुले, उह जल तों अलग नहीं हुंदे, इह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आण ना होई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੀ ਖਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਹਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ, ਮੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਉਂ ਪਾਲੋ ਕੀ ਭੀਤ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਸਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਵਿਆਪ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸਿਮਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ।
गुरु का दिता होया कोई मिटा नहीं सकता। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्प निरंतर केवल एक मरारी। ये हरी ने जिहड़ी रचना की ना संसार की कहिंदे हिरदे विच विचार के देख कि वह परमात्मा घट घट अंतर हर एक हिरदे दे विच रहिंदा ही सर्प निरंतर वो हर एक थां ते रहिंदा है सारिआं दे अंदर उहदी सत्ता है। वो एक परमात्मा सारिआं विच ही रहिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओत पोत सेवक संग राता वो ताने पेटे वांग अपने सेवक दे नाल मिलिआ रहिंदा है। प्रभ प्रत पाले सेवक सुखदाता सुख देन वाला परमात्मा अपने सेवक दी पालना करता है वो आप पालता है। इस वास्ते उन्हों गोपाल कहिंदे हन। वो अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जय जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावे सेवक को निकटी होए दिखावे जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल हो जावे। जिहड़ा सेवक बन जाता ना सही मायनियां विच जिदा सेवक होना चाहिए फिर परमात्मा उहदी कही होई हर अरदास प्रमाण करता है। जो अरदास करदा है वो प्रमाण हुंदी है। हर एक किया होया वचन सेवक का रब प्रमाण करता है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। उहदा बोलिया होया ते लोक परलोक विच अटल हो जांदा है जे सेवक बन जावे। जो मंगे मिलदा है पिता कृपाल आग्या ए कीनी बारक मुख मांगे सो देना। कृपालू परमात्मा ने प्रभु पिता ने आग्या कर दिती भी ये मेरा बच्चा ये बड़ा हुक्मी बंदा है ये भाणे विच रहण वाला है ये सच नाल जुड़िया होया जो मंगे इहनू दे दिओ जो मंगेगा उही मिलेगा। ये जदों आग्या कर दिती ते जिहड़ा बारक सी जिहड़ा जगयासु सी सेवक सी उन्हें फिर परमात्मा दे दर्शन ही मंगे। उन्हें फिर हरि दे चरणा दी प्रीत ही मंगी। उन्हों पता सी प्रभु दी प्रीत मिल गई चरणा दी प्रभु दे दीदार नसीब हो गए ते सारा कुछ ही मिल जाएगा। जो सुख आनंद सारे पदार्थां विच है वो इहदे विचों ही मिल जाना है। इस वास्ते उन्हें ये मंगिया मांगो दान ठाकुर नाम अबर कछु मेरे संग ना चलै मिले कृपा गुण गाम। गुरु साहब जी धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे कि वो सुखां दे देण वाला परमात्मा सेवक दी पालना करदा है। पाणी पखा पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जी। मेरा दिल करदा है कि मैं ये सेवक दे जिहड़ा रब दे नाल जुड़िया होया है मैं उहदे दर ते पाणी ढोवां। पहला खूहां तों पाणी ढोदे हुंदे सन नलके नहीं सन हुंदे घरां दे विच। पहला पिंडां विच पाणी खूह तों भर के लियाउणा पैंदा सी। गुरु के लंगरां विच भी जदों जल दी लोड पैंदी सी ते खूह तों भरिया जांदा सी। मेरा दिल करदा मैं सेवक दे दर ते पाणी ढोण दी सेवा करां। पाणी पखा मैं पखा झलण दी सेवा करां। आउण ते आपां सोचां करदे आं ते पखा चलण लग पैंदे हवा मिलदी पर उह समां सी जदों हथ दे विच पखा फड़ के
वड़े वड़े पक्षी होंदे सन, जो कोई 2 फुट सवा 2 फुट चौड़े ते 3 फुट 2.5 फुट लंबे होंदे सन। ते दोवां हथां विच पकड़ के वह पखा ते हवा दित्ती जांदी सी। कहिंदा मैं सेवक दे दर ते पखा झलण दी सेवा करां। ते अगे पीसों सेवक कहे मैं आटा पीण दी सेवा करां। घर घर दे विच चक्कियां होंदियां सन, जिहड़ी गल भगत ने कीती ना, चाकी चाटे चूंड खाए, चाकी का चीथरा कहां ले जाई। वो कई बार घर दे विचों कुकर देखते सी भी कोई हैगा नहीं, तो चक्की दे घेरे घेरे जिहड़ा आटा खिल रहा होंदा सी ना, उहनू फिर आ के चटन लग पैंदे सन। ते जांदे जांदे वो जिहड़ा कपड़ा होंदा सी ना जिहदे नाल चक्की नूं साफ करना होंदा सी, वो भी मूँह च पा के लै जांदे सी। भगत जी कहते गल तो समझ आई भी तू चक्की दे खिल रहा हो आटा खा लिया, पर चीथरा जरा कपड़ा है इनू लैके क्यों दौड़ पे। मेरी कहण तो मुराद यही है कि घर के चक्कियां होंदिया सन, तो घरों घर ही आटा पीसया जाता, किसी के नहीं होंगी सी तो वह गुआढ़ियों के घर जाके पी लैंदा सी। उन्हां समयां दी गल है, वो समा सामने रख के पंजवें पातशाह जी कहते मैं सेवक के दर से पानी ढोवा, मैं पखा झल्ला, मैं आटा पीण की सेवा करा। ठाकुर ही का आहर जीव, क्योंकि वह सेवक न केवल परमात्मा के नाम जपण का ही आहर है। वह काम कार करता होया भी चित परमात्मा विच जोड़ के रखता है, हाथ पाँव कर काम सब चीत नरंजन नाल। इस वास्ते मैं सेवक दे दर दे उत्ते सेवा करां, काट सिलक प्रभ सेवा लाया। कहते परमात्मा ने जमा दी फाही कट के सेवक नूं सेवा दे विच लाया। हुकम साहिब का सेवक मन भाया। कहते सेवक दे मन विच साहिब का हुक्म परमात्मा का हुक्म चंगा लगता है। उस परमात्मा का हुक्म चंगा लगा, उहदा भाणा चंगा लगा, परमात्मा ने उन्हूं सेवा भगती विच ला दिता, जमा दी फाही कट दिती। सोई कमावै जो साहिब भावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। कहिंदे फिर सेवक उही कुछ करदा है, उही कमाई करदा है जो मालक प्रभु नूं चंगी लगदी है। ये नौकर मालक का हुक्म मने तो फिर ही पाएगा ना, तो जे हुक्म नहीं मनेगा तो फिर कितों चंगा लगना, फिर चंगा नहीं लगता। हुक्म मने तो चंगा लगता है। असी दातां सारियां चाहुंदे आ रब तो, पर उहदा हुक्म मनन नूं तैयार नहीं। जे असी उहदा हुक्म मन लईए तो दातां अपने आप ही दे दिंदे, अपने आप ही बख्शिश कर देंदे कि ये मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, ये मेरा हुक्म मनता है। वो सेवक उही कमाई करता है जो प्रभु नू चंगी लगती है। वो सेवक नाम सिमरन दे विच अते जगत नाल प्रेम की वरतों करन विच सियाणा हो जाता है। वो फिर सियाणे पुरशां विच उहदी गिणती हो जाती है। कहते ये बड़ा सियाणा है, ये बड़ा दाना है। तू दाना ठाकुर सब बिद जानै। कहते हे रब जी तू सियाणा है, तू मालक है साडा, तू सारियां हालतां जानदा है साडियां।
ठाकुर के सेवक हर रंग माणे। ते जेड़े रब दे सेवक ने वो फिर परमात्मा दे प्रेम रंग नू माणदे हन। जो किश ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। कहिंदे जदों ऐसा हुंदा ना कि वो जेड़ा रब है वो सेवकां दा हर थां रखियक बनता है। वो अपने सेवकां दी दिलां दी हालत नूं जाणदा है, वो अपने सेवकां दा पालनहारा है। ते सेवकां नूं माया दे मोह तों बचाण दे सारे तरीके जाणदा है। ते अगे आंदे पालनहार प्रभु दे सेवक प्रभु दे मिलाप दा आनंद माणदे हन। प्रभु दे मिलाप दा आनंद, क्योंकि पालनहार प्रभु दा आपा सेवक दा आपा बन जांदा है। ते सेवक दा आपा जिहड़ा है वह परमात्मा दा आपा बन जांदा है। ठाकुर ते सेवक विच जो सेवक दा आत्मक जीवन है उहदे विच ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं रह जांदा। ठाकुर दे चरणां विच जुड़िया रह के सेवक लोक परलोक दे विच इज्जत खटदा है। लोक परलोक दे विच उहदी शोभा हुंदी, लोक सुखीए परलोक सुहेले। इत्थे संसार दे विच उह सुखी जीवन बतीत करदा है ते परलोक दे विच वी ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਪਹਿਰਾਇਆ ਫੌਰ ਨ ਲਿਖਾ ਕੁਛ ਬੁਲਾਇਆ। ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਨੇ। जो तो भाव है जिसनू, अपने ठाकुर जो जिसनू पहराया भाव पहनाया। पहनाया तो भाव है सिरो पाव दिता, जिनू आपां कहने सरोपा, इहदा नां है सिरो पाव। सिर तो लैके पैरां तक जो कपड़ा सारे शरीर नूं ढक लवे। केवल शरीर ही नहीं ढकदा, गुरु के दर तो मिली हुई ये बख्शिश मनुख के पड़दे ही ढक लैंदी है। उस बख्शिश नूं कहिंदे ने सिरोपाव जां सरोपा। कहिंदे परमात्मा ने की कीता, अपने ठाकुर जो पहराया पौर न लेखा कुछ बुलाया। कहते ठाकुर ने सेवा भगती का सरोपा दिता, सरोपा बख्शिया। किसी ने संसार दे विच कोई चंगा काम किया हो सरोपा दिता जाता है कि तू बहुत वधिया। जिदा पिछे महामारी आई उहदे विच जिन्हां संस्थावां ने चंगे काम किए ते सरकार ने भी उन्होंने अवार्ड दिते ने, और दिल्ली कमेटी वालों भी उन्होंने सम्मानिया गया। दिल्ली कमेटी ने भी बड़ा वड्डा योगदान पाया उस महामारी दे विच, और इस कमेटी की भी सिफत सलाह हुई। इस तरह संसार दे विच भी कोई चंगा काम करे तो उन्होंने सरोपा मिलता, भाव मान सत्कार मिलता है। जिस सेवक नूं प्यारे ठाकुर प्रभु ने सेवा भगती का सरोपा दिता, उसनू फिर उहदे कर्मां दा लेखा नहीं पुछिया। इह ते रब ने बख्शिश कीती कि लेखा पुछण वास्ते उहनू बुलाया ही नहीं, जां उहदे ते ऐसी कृपा करती कि उहने कोई मंदकर्मी नहीं कीती। यह रब की बख्शिश हुई ते जो कीता चंगा कीता, नहीं तो जे जीव का लेखा होवे ना
ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਾ ਨਹਾਰ ਅਸੀਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਭੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਸੌ ਉਲਾਮੈ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ ਸਾਡੇ ਸੌ ਉਲਾਮੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਔਗਣ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਖੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤਪਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਕਵਰ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਡੂੰਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ
जिन्ना भी असी लगाइए घट ही होगा। उगर गया जैसे खोटा ढबूगा नदर सराफा आया, वो सराफ ही तो बंदे ही नहीं, जो उन्होंने सोझी इन्नी कि आ सोना ये इन्नी मिलावट है तो फिर रब न किन्नी सोझी है जड़ा अंदर की जान लेंदा है। मैं कई बार कहना हूं भी तुसी डॉक्टर को जाओ तो एक्सरे लिख दे अल्ट्रासाउंड लिख दे, हो सकता है कि मशीनरी है कोई गलत रिपोर्ट बन जाए, जो होवे वो ना बने तो जो होवे ही ना वो रिपोर्ट जा जाए, वो भी तो बंदे ने करना ना एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी। पर मशीन जी है मशीनरी में कोई फॉल्ट पै सकता है, उस रिपोर्ट में वाधा घाटा हो सकता है, पर जो रब साडा एक्सरे करता ना साडा अंदरों अल्ट्रासाउंड करता है वो फिर थोड़ी जी भी कमी नहीं रहन देता, वो फिर करके अपने को रख लैंदा। तो फिर जदों आरजा साडी पूरी हो जाती है तो फिर कहते लेखा रब मगेसिया बैठा कट वही, फिर वही कट के वो लेखा मंगता है, वो अंतर जामी है वो अंदर की जानता है। इस वास्ते भाई ऐसे कर्म करो जेडे रब नूं प्रमाण होण। एक संसार है एक निरंकार है, कोई ऐसे कर्म करो संसार नूं भी प्रमाण होण ते निरंकार नूं भी प्रमाण होण। जेडे मंदे कर्म हन उन्हां दा त्याग करो, हंस नूं देख लो वो दुध विच चिंज पाउंदा है ते फुट जांदा है ते फुटियां खा लैंदा है ते पानी नूं छड्ड दिंदा है। इस तरह गुणा नूं ग्रहण कर लो ते औगुणा नूं त्याग दे ते जीवन जिहड़ा है वह सोहना बन जाएगा पवित्र हो जाएगा, फिर रब के घर में प्रवानगी मिल जाएगी। हुईयां बेअंत भुलां की खिमा फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।